सो गाइज हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से मैप पे 32 किलोमीटर दिखा रहे हैं, लेकिन अंकल जी ने हमें 20 किलोमीटर बताया था कल रात को। तो एक बार किसी से पूछते पाछते चलते हैं वहाँ पर है गोवर्धन परिक्रमा, और आपको भी कराते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा। और यहाँ पर जो है ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त नहीं, यहाँ पर भी यहाँ पर बारिश होनी चालू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। सो गाइस हम लोगों ने ये ई रिक्शा कर लिया और बस यहाँ से अब हमारी परिक्रमा चालू होगी। आप बैठो, चलो भाई देख, हम हैं नए, हम नए लोग हैं, पहली बार है, सही से तरीके से बिल्कुल बढ़िया करा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी यहाँ से परिक्रमा चालू हो गई। तो भाई जैसे किसी को पैदल लगानी हो तो वो क्या करे, यहाँ से परिक्रमा चालू होती है और लोग यहाँ पे मिट्टी का भी बना रखा है ताकि लोगों को आराम से पत्थर अपना रखा है और वो कच्चा है, कच्चे से लोग आप देख सकते कितनी भीड़ है परिक्रमा के अंदर। परिक्रमा चालू होता है गोवर्धन महाराज फूल वृंदावन दिया और गोवर्धन महाराज इस तरीके की भीड़ लगे हुए हैं साइडों में, जिनको जो चाहिए वो मिल सकता है विश्राम के लिए, विश्राम के लिए। देखिए यहाँ पर मंदिर पूरी गौशाला है। कौन सा सरोवर है? कुसुम सरोवर। यहाँ की क्या मान्यता है? ये राधा रानी की सखी थी ना कुसुम लता। अच्छा, उनका कुंड है, वो महल है। अच्छा ठीक है ठीक है। शॉप्स भी बनी हुई है। हाँ वो मंदिरों का दर्शन नहीं करते, वो इसलिए हम करते हैं। डालेगा मंकी को जब पापा के साथ, बोरे बोरे देख बोरे तो पूरे सामने, अभी रुक जा अभी देखती है मम्मी, आप ये पड़ी दे रही है अभी सर धापे हुए आप तो रंग मार रख दो, देख बोरे पीछे छोटे वाले को दे, सोनो आपके पीछे बोरे खाई नहीं रहे, नॉट इंटरेस्टेड लग रहा है तो पेट भरा हुआ इनका सर धापे हुए, एक ने भी नहीं लिया। बाबा
सारी खत्म तो कर दो अकेले। वो खा ही नहीं रहा, वो भाग रहा है। ओ नहीं, गुल्लू को क्यों काट रहा है वो? लोर ले गया। वही इसको भी दे दे, सोर बहुत सारे आ गए। आराम है, गाय को खिला दो। ये बंदर की फैमिली से बिलोंग करती है। ये ले इसको पकड़। भाई मैं इसको नहीं पकड़ रही, बंदर भी तो आएगा इसके पास। लाओ। हाँ आगे है बंदर। गुल्लू गाय को खिला दे, गुल्लू गाय को खिला दे। चारा खिला दो गाय को, ये गौशाला तुम्हारी गंदी गाय खड़ी। खिला दे, दे 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 दे, ले जा दे। भूख नहीं है उसको, भूख नहीं है, भूख नहीं है। उई 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 फ्रेंड, हम लोग आ गए इधर धरतीपुरा और ये हमारी चल रही है बड़ी परिक्रमा अभी, और इसके बाद हमारी छोटी परिक्रमा आधी रह जाएगी, कर लेते हैं दर्शन। और यहाँ पर सोनी मेरी बाटली में चाय लो, ये चाय लेते हुए। पीछे जा, पीछे जा। और चाय सेवा चालू। हम लोग गोवर्धन परिक्रमा से निकल चुके हैं और अब हम लोग बैठ के खा रहे हैं ये अमरूद, लाल अमरूद जो बंसल जी ने मेरे लिए लिया था। टेस्टी है, 60 रुपए 80 रुपए किलो दिया इन्होंने यहाँ पे, तो हम 3 अमरूद चढ़े हैं हमारे 60 रुपए में, आधा किलो में। क्या बोलती हूँ, मुझे कई बार मुझे खुद को ही नहीं समझ आता, देखो मेरे बाल कैसे हो गए। और गुल्लू हमारी आगे बैठी है एज यूजुअल। ये दी गुल्लू, गुल्ला हेलो 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 मटरू किटरू। और ये सोनी का गुल्लू सो रहे हैं, देख रही है। खड़ा हो फटाफट, ये देखो, ये देखो दोनों को। दोनों को देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय चल रहा है। वो तकिया वगिया लेके आए थे ना, एकदम तकिया वकिया लेके, चुतर लेके। गाइस हम ये रुके हैं 140%, 100% कहते हैं 140%, 140% प्योर वेज ढाबा, जय मोनी बाबा की। हम यहाँ भूषण के ढाबे पे आए हैं, पहले भी रुके हैं, नाश्ता पानी कर लिया। कहाँ है? तो आते हुए भी हम लोग रुके हैं गुलशन ढाबे पे। ये बनाया, मंगाया मिर्च पराठा और मंगाया आलू पराठा, मक्खन चाय और बस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वृंदावन से घर पर, और इससे पहले हम लोग गए थे चाचा जी के यहाँ, तो आज उन्होंने बनाए थे कढ़ी चावल, तो ये हम लोगों ने प्रसाद था पुरनवासी का, तो प्रसाद लेके आए, उनसे मिलकर आए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए हम सीधा घर पर। ऐसे हम लोग कोई थके हुए नहीं है, बस हमें सामान जो है वो अनपैक करना है। सबसे पहले मेन काम व्लॉग्स जितने भी हैं वो ड्राइव में डालने हैं, ताकि दीक्षा जो है वो ड्राइव एडिट कर सके। फिर उसके बाद अपने चार्जर जो हैं फ़ोन्स चार्जिंग पे लगाने हैं, वो भी एक बहुत मेन काम है। अरे देखो बेड बेड में सारा समेट के गई थी, इधर बेडशीट चेंज करके गई थी, ताकि शाम को आने के बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा भी हमारा घर क्लीन है, बस बाहर जो है कपड़े वपड़े पड़े हैं वो करने हैं क्लीन।